हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव की हर कवरेज के लिए हरियाणा न्यूज पहुंच चुका है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव रिडाणा में, जहां वहां की जनता से जानेंगे उनका हाल कैसा चुनेंगे इस बार बड़ौदा के लिए अपना विधायक। हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव रिडाणा में, जहां हम पहुंचे हैं वहां कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में किस तरीके के वो कैंडिडेट को चुनना पसंद करेंगे, कितना उनका विकास कार्य हुआ है उनके क्षेत्र में या फिर उनके गाँव में, या काफी लोग हैं। मैं उनसे सबसे पहले तो मैं चर्चा में यही पूछूंगा किस तरीके के कैंडिडेट की वो उम्मीद रखते हैं और उनसे क्या उनको उम्मीदें हैं। नाम बताए। सरपंच बजिंदर चहल, ग्राम पंचायत रिडाणा, जिस स्थान पर। चहल साहब, कैसा उम्मीदवार इस बार चुनेंगे और आपकी पंचायत में कितने विकास कार्य हुए? ऐसा है, मेरी पंचायत में, इस पंचायत में इस पूरे गांव में ही कोई विकास कार्य नहीं है अब तक। यहाँ हमारी कोई सूद लेने नहीं आता, ना हमने को पूछना था तो मरो जीवो हो, गाँव में कोई समस्या है कि ना है। हर साल मेरे गाँव में बारिश के समय में गाँव में गलिया में पानी भर जा है, उसकी निकासी का समाधान नहीं हो रहा आज तक। हम पिछले 4.5 साल से इसको सरकार को लेटर लिख लिख परेशान हो चुके हैं, भाई गरीबों की सुविधा दो, कार्ड बनवाओ, मकान बनवाओ, मतलब किसी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली आज तक। पिछले 2.5 साल से लोगों के मकान तो पास हो चुके हैं पर उनकी कोई भी ग्रांट राशि नहीं आई है। इस 2.5 साल के दौरान क्या हुआ है, बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो बहुत जरूरतमंद हैं, उनके मकान की छत टूट चुकी है। आज भी वो पंचायत से, हमने अपनी तरफ से उनको कड़ियाँ दी, एक चौपाल की कड़ी थी हमारे पास, कुछ वो कड़ी थी, बोले जब तक तुम्हारा ग्रांट नहीं आता जब तक इस छत को रोक लो। इस सरकार ने ऐसा काम कर दिया ना, दो गरीब आदमी किसी अमीर से 2 रुपये ले उधारे लेकर अपना मकान बना सकता, क्योंकि अगर मकान बना लेगा तो सरकार उसको ग्रांट नहीं देगी। अगर सरकार की ग्रांट के सारा बैठे रहे अभाव किया जब तक वो उसके नीचे दबका मिल जाएगा। कितनी मैं बात करूं, कितनी ग्रांट अभी तक आपकी पंचायत में सरकार की तरफ से दी गई है और क्या क्या विकास कार्य आपकी तरफ से प्रयास किए गए? विकास कार्य हमने जैसे गंदे पानी की निकासी, गांव में आईटीआई निकलवाना, बिजली का पावर हाउस लगवाना, बहुत सारी ऐसी जो फैसिलिटी मांगी है हमने सरकार से, लेकिन जो पास तो नहीं। आज तक इस सरकार ने 48 लाख रुपए ग्रांट राशि दी है। अब इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था, जैसे कृषि मंत्री भी आए हैं हमारे यहाँ, बिजली मंत्री भी आए हैं, जो बिजली मंत्री ने, जो भी गांव ने डिमांड रखी बिजली मंत्री के पास, मंत्री साहब ने वो हमारी सारी डिमांड पूरी कर दी। बिजली का काम तो अब इलेक्शन के दौरान हो गया। उसके अलावा कई बार हमारे कृष्णलाल पवार जी भी आवा, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री, उनको भी हमने छोटी मोटी कुछ जैसे मोरियां की है, कोई पानी की समस्या है उन्होंने बताई, वो भी पूरी करवा दी है। तो अब क्या उन्होंने पास करके 1.5 करोड़ रुपया नाम मात्र ये तो कर दिया, वह पंचायत को 1.5 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन पंचायत के खाते में एक पैसा भी नहीं आया है। एक चीज और बताइए, आप मुखिया हैं गाँव के, इस चुनाव में आपके गांव की तरफ से जो भी कैंडिडेट आपके समक्ष आएंगे, क्योंकि अन्य हर एक पार्टी के जो कैंडिडेट है गांव में घूमेंगे अपना पर, क्या आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव रखा जाएगा? हाँ, हम तो पता है जो भी विकास कार्य की प्रस्ताव गांव की है, समस्या है ना, जो भी पार्टी का कैंडिडेट पहले भी आते हैं, हम तो एक ही बात करते हैं, भाई तुम ये कहाँ से आओ हो, पिछले 4.5 साल हो, 5 साल हो गए, तुमने आज तक कदे गांव के किसी समस्या को आगे नहीं पूछा, भाई तुम्हारा क्या हाल है, गांव में कोई गंभीर समस्या है, कोई नहीं आता, पता नहीं कहां कहां से आते हैं। हम तो ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं भाई जो इस राजनीति से दूर हटकर विकास कार्य करे। सर नाम बता दीजिए। धर्मवीर नाम है जी। धर्मवीर जी, आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुए हैं और जो कैंडिडेट आएंगे उसमें क्या खूबी देखेंगे? जी, ये विकास कार्य हमारे क्षेत्र में बहुत कम हो रहा है, ये आखिरी काम पड़ा हमारा विरोध हल्के का, और ये बाकी सरपंच जी ने सारी बात बताई दी आपने, बाकी यहाँ रोड भी अब तक नहीं पूरा हो रहा है, ये 2-3 साल हो गए बन दें जी, और जो नहर की भी पानी की भी समस्या रहे, बरसात की सब की भी समस्या, गलिया भी नहीं पूरी बनी हमारी अब तक, हमारी कोई खास विकास नहीं हो रहा जी। नाम बताए। बिल्लू पंडित है सर। पंडित जी, 3 चीज की बात करूं, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं,
कितनी परेशानी हो रही है आपके गांव के लोगों? सड़क की परेशानी तो बहुत ही ज्यादा है हमारे इधर। 3 साल हो गए सड़क में, तो अभी इलेक्शन के दौरान ही आगे कुछ यहाँ तक टुकड़ा बनाया, नहीं तो सड़क की तो बहुत ही ज्यादा परेशानी। पीने के पानी के लिए पहले ही मतलब अवेलेबल है, गांव में सरपंच साहब ने महकमन मिलजुल कर हर गली गली में लाइन दबवाई है। कैंडिडेट कैसा पसंद करेंगे चुनाव में? कैंडिडेट ऐसा पसंद करेंगे जो गरीब होगे शुद्ध ले, गरीब होगे राशन कार्ड बनाए, गरीब लोगों की मतलब मदद करेगा। हम उस कैंडिडेट को पसंद करेंगे कोई सी पार्टी का हो, कैंडिडेट काम करने वाला जो पब्लिक की शुद्ध ले आगे। ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि बीजेपी वाले बोलते हैं हमारा एमएलए बनाया ही नहीं, अरे एमएलए नहीं बना, वोट तो 32,000 जिसने दी वो तो बेकार में दी जिन लोगों ने, इसका मतलब काम नहीं कराओगे। सरपंच को एक दूसरी गली का वोट नहीं दो, गली को नहीं बनवाएंगे। तो ये इनकी मतलब सोच है, मतलब पहले नहीं था आप कैंडिडेट बनाओ, काम करो निष्पक्ष भावना से करो, वोट तो लोग अपने आप देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है, और कोई भी पार्टी हो कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन जो इनके सुख दुख में खड़ा है ये उनको चुनेंगे। और भी लोगों में जान लेता हूँ उनकी राय। नाम बताए? विकास भाई साहब। विकास जी, कैसे उम्मीदवार इस बार चुनने जा रहे हैं? आप एक युवा हैं, और युवाओं की मैं बात करूं क्या आपके गांव में स्पोर्ट्स के लिए कोई स्टेडियम है? बच्चों की एजुकेशन की बात करता हूं, आप यूथ हैं, एजुकेशन के क्या आपके जो स्कूल है अपग्रेड है? स्टेडियम तो है लेकिन उसमें पानी भर जाता है बारिश के दौरान, उसमें बच्चों को परेशानी रहती है, उसमें कुछ भी बच्चों के लिए हॉल नहीं है, कोई प्रैक्टिस के लिए सामान नहीं है, जिम वगैरह कुछ नहीं है उसमें, स्टेडियम में सब कुछ चाहिए भाई, ना हॉल है उसमें कुछ भी। हर पार्टी के जो कैंडिडेट है आपके द्वार तक पहुंचेंगे तो उनके सामने सारी समस्याएं रखेंगे? पहले तो कोई विधायक आता ही नहीं था यहाँ पे, अब आए हैं तो कोई कहता करवाएंगे इलेक्शन के दौरान, क्या पता होगा या नहीं होगा। तो कुल मिला के जो आते हैं वोट की राजनीति, आपके वोट हथियाने के चक्कर में हर प्रयास करते हैं? 5 साल में एक बार आते हैं यहाँ, 2 बार इलेक्शन है इसलिए आगे, नहीं तो यहाँ भी नहीं आते। नाम बताएं भाई? संदीप नाम है मेरा। संदीप भाई, सबसे पहले मैं बात करूं एजुकेशन की, क्या हालात है आपके गांव में, क्या व्यवस्था है? एजुकेशन की कुछ खास व्यवस्था नहीं है, बस एक स्कूल है, सरपंच साहब ने बताया था, अभी आईटीआई की डिमांड भी की थी और भी कुछ काफी डिमांड थी, सरकार पूरा तो करती नहीं। इलेक्शन का टाइम होता है तो वो आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं लोगों को, चाहे कोई जिए मरे उनका कोई मतलब नहीं किसी से भी, सिर्फ इलेक्शन है तो 5-7 दिन आएंगे पैर भी पकड़ लेंगे इलेक्शन में, तो इलेक्शन के बाद तो उनकी शक्ल भी नहीं दिखती हमारे को, मेन बात ये है। 3 चीज में, बिजली, पानी, सड़क। आपके गांव में सड़क का ऐसा है, अब इलेक्शन है तो सड़क बन गई, इलेक्शन नहीं होता तो ये सड़क 3 साल से नहीं बनी थी, आगे भी नहीं बनती है। तो कैसे कैंडिडेट चुन रहे हैं? कैंडिडेट कम से कम ऐसा होना चाहिए कि भी लोगों के साथ हो, कभी भी हम कैंडिडेट के पास, अपने कैंडिडेट के पास चले जाएं, उसके द्वार हमारे लिए खुले रहने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमें शक्ल भी ना दिखे उसकी। तो आपने देखा जिस तरीके के लोगों में एक पीड़ा भी है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में हर पार्टी का नुमाइंदा इनके द्वार पहुंचता है, वोट लेने के लिए इनसे वादे करते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद वो इन लोगों की सुध तक नहीं लेते हैं। कैसा नेता चुनोगे इस चुनाव में? वो जो सा काम सफल करेगा उसमें चुनाएंगे हम तो, हाँ जो काम करेगा उसमें चुनाएंगे। कौन से गांव से हैं आप लोग, क्या समस्या है? रिंडाने के यहाँ। क्या समस्या? ये नाली ठीक करवाओगा सारी, यही समस्या भारी। तो अरे भाई जमींदार है ना, जमींदार का कोई धन ना का बार ना कोई गेहूं का बा, हम क्या के लग सारा रोटी खावांगे बेचारे हैं, बताइए। गेहूं की फसल वहां बटेड़िया में पड़ी थी, धन की फसल आ जाएगी वहां बटेड़िया में गिरवाण लग रहा है, तो एक एक दो दो किला है हमारे। जो वोट लेने आएंगे उनको ये समस्या सुनाओगे? सुनाओगे क्यों ना, हम तो पीले कार्ड भी ना मान देना नहीं कंधे मारे घर करवा दो। गाँव रिंडाना जी, ना तो जी मारा घर पास हो रहा, ना मारे पीले कार्ड जी, ना मारे गरीब हाँ जी, मारे बालका ने नौकरी की सुविधा जी, ना कोई हमने दाना फाका कुछ भी नहीं मिलता जी, गरीब आदमी है, भूखे मन की आस हो रही, हम जी महंगाई इतनी हो रही। चुनोगे आप, क्या चुनाव है? जो हमारा काम करेगा जी उसने बना देंगे जी, को तेरा जी होगा ना, हमारा काम कोई करवा दो, घर पास करवा दो, हमारा फिर कार्ड बनवा दो, बनवा देंगे जी। ये फिर हमारा गरीब बीमा के में करा तो नहीं ना जी, ये गरीबा के बड़का के रुपये आवे है, स्कूल आवे है, हमारा कुछ नहीं आंजा जी, ये बारहवीं की पढ़ाई जी इतनी महंगी किताब है, हम क्यों कर गुजारा कर सका। क्लास कौन से काम? रंडाने से।
कैसा नेता चुनोगे, कैसा एमएलए चुनोगे अब चुनाव आपके यहाँ पर? जी हमारा काम बनेगा उसने चुनाएंगे हम तो जी ना, तो हमारा घर बन गया, पास हो रहा था, बोले पास हो रहा, पास हो रहा है, और आज तो आया नहीं है कुछ, और ना इस स्कूल में पीछे आंदे बालका की क्या समस्या है वैसे रेडाना गाँव की? पानी पर समस्या तो सारी रही जा, ना लाइट आंदी ढंग का, दो दो हजार बिल के आ जाए, हाँ लाइट आओ दो घंटे, मकान तो देखो रहा है, एक बार जो पट्टे पड़े डोट परेड़ा रही है अभी तुम्हें। पिलाएगा बना के? नाम बताओ। मेरा नाम रूप कला जी। कहाँ से, कौन से गांव से हैं? मैं हूँ जी दसिये की, रतिराम की। मेरा बाप फौज में था, उड़ा भी मौसी है, मेरा कुछ नहीं। कैसा नेता चुनेंगे आप इस बार अब इलेक्शन में? इलेक्शन आ रहे हैं, कैसे नेता चुनेंगे, किसको वोट देंगे? जी मन्ना तो सुने नहीं है, मैं सुनूंगी तो कोई मन्ना सुने कोई ना है, उसकी घेरांगे उसकी ना घेरांगे, माड़ा अपना ही घर लिया कर भी तेरे अपना ही बनाई जाऊं, बाहर कोई बात नहीं, आवा हटा ले जाए, दो पीछे दे जा कोई। किसको किसको वोट देंगे? कोई कहेगा राज्यों का जो गरीबा का कमा होगा कि भाई भाइयों की मिलावट में होगा कि यो फायदा है, जो कहेगा उसकी मैं गिर हैं। हां नाम बताए। राजकुमार जी। राजकुमार जी, चुनाव है आपके यहाँ विरोधा हल्के में, हाँ जी, कैसा उम्मीदवार चुनेंगे? उम्मीदवार जी हमने चाहिए जो काम कर दे रहे, मतलब देख कर वोट देंगे, कब नहीं वोट कौन देने के लिए आदमी हैं, सारे मकान पास हुए ने, दो साल हो ले कोई सुना लैट्रिन बाथरूम के पैसे बोला देंगे देंगे, गूठे टेक्टे के पीछे ले आकर ला दिए, आते कोई आना नहीं ठहरा, ना कोई मकान के रिपेयरिंग ठहरा, ना कुछ ठहरा। अरे रही बात दूसरी, ये कहते हैं सरकार करे पाछे 30 साल कांग्रेस के गिल्ला के देख लिया, उनकी कुछ करे नहीं, मोदी सरकार दाऊ टोपो टोप बताऊ देती कुछ करे नहीं, करने अच्छुक तो कोई साहब नहीं आ रहा हमारी नजर, हम तो फंसे पड़े हैं, युवा हल्का तो सबसे पीछे पड़ा, जिसका कोई मुकाबला नहीं, इसका मुकाबला कोई भी हल्का नहीं पड़ा, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पर, कोई भी किसी किस्म का, किसी गरीब गुरबे का, को भाई बहन का, को पढ़े लिखे बच्चा का, कितने भी कोई किसी किस्म का भी नहीं। तब जी कौन से गाँव से हैं आप? के हाँ। कैसे उम्मीदवार को वोट करेंगे चुनाव? वो देवांगे जिसकी जो हमारे काम करेगा, हमारे बेटे पढ़े लिख कर नहीं घर बैठे, कुछ काम नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे बेचारे, मकान मकान पढ़ना हो रहा, ना डांगर रख सकते, गरीबी तो कुछ रख नहीं सकते हम, डांगर रख सकते नहीं कुछ नहीं, और तो के जी सारा काम हमारा यू करवा दियो, और उसने बनाओगे जो हमारे काम करेगा, हमारे बालका की बिरयान माटी हो रही जमा, को मजदूरी नहीं, मजदूरी कर सकते नहीं भाई, क्या कर सके बालक ना माम करण के रे रही। यो आदमी है यो बैठा तो आज कल काम नहीं बन चल रहा हमारा कुछ भी, बिजली पानी रोड क्या हालात है? ये हालत है जी, देख लियो रोड तो ये बाहर क्या हुआ भी देख रहे हैं। सुरु जी कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है, और कैसे आदमी को वोट करें, किस नेता को वोट करेंगे? हम तो जी जो हमारे सही काम करेगा, हमारे बाल का नौकरी दुआगा, पढ़ाओ लिखाओ, हम क्या की उस पर पढ़ाओ बच्चे ने, ना तो काम इस गांव में ना मजदूरी, हम कैसे पढ़ाओ बच्चे ने? कौन सा गाँव है? रिंडाना। उसने देवांगे जी जो हमारे बच्चे ने लायक बनाओगा, नौकरी मिलेगी वही हमारे बच्चे का आगे जिंदगी बनेगी बच्चे की। कितनी समस्या है आपके गांव में? सारी ऐसे समस्या जी, क्या है कभी रोजगार नहीं उड़ा, ना साधन क्या है का ऐसा, कुछ भी कोई नहीं, इस गांव में सल कम है तो सब दबाच पड़े है। नेता आएंगे बहुत वादे करेंगे, कैसे चुनेंगे उनके? ना जी हम तो इसे चुनाएंगे जो हमारे काम करवाएंगे, गरीबी ना हटाएंगे जी। 2 साल हो गए जी फॉर्म भर रखे, मोदी को नहीं पास हो रहा, 2 साल का मकान मिला हम तो जी बढ़िया सुनांगे, जो कि मैं करवाओगा उसने देंगे वोट नहीं, हम तो दिन दिन किसी थी हाँ को कि मैं करवाओगा तो नहीं, 2 साल हो गए दब कमरण न हो रही हम तो
और चाहे टूटली उदन तुम्हारा लागी होंगी यार माटी पड़ा जी उपर गदड़ गदड़ और भीतर सोवा जी हम तो सोचा और बैठ बैठ जी भी डर लग है। बरोदा हल्के के गांव रिडाना में हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची है वाल्मीकि मोहल्ले में। वहां मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जरूर चर्चा करने चाहूंगा। मैं सबसे पहले इन्हीं से जानना चाहूंगा, नाम बता दीजिए। पालेराम जी चुनाव है बरोदा हल्के में, एक बार फिर कैसा उम्मीदवार आप चुनेंगे इस बार? हम तो अभी देख रहे हैं इसकी बीजेपी की बात है, चुनाव लगाएगा हमारी परिश्रमा हो पता, हम बीजेपी के वोट देंगे चुनाव लगाएगा तो ना, तो फिर दूसरा देखेंगे। तो क्या वादे करते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में आप हर पार्टी के कैंडिडेट आपके बीच आए होंगे, इस बार फिर आएंगे? पूरा वादा करा करके गए, हम दोबारा आएंगे और हम बनाएंगे, कोई नहीं आज। तो क्या समस्या है, क्योंकि अंतिम गांव है आपके हलके का रिडाना, लास्ट गांव पड़ता है, फिर दूसरा नंबर हमारा जो वो है सरपंच, वो हमारा बनाना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं जो नुमाइंदे चुनते हैं उनसे भी नाराज हैं और सरपंच से भी नाराज हैं, तो और भी लोग जान ले, तो नाम बताइए आप। मेरा नाम सत्यवान सिंह आदिवाल। सत्यवान जी, कैसा उम्मीदवार इस बार चुनने जा रहे हैं और क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या जी हमारी एक तो चौपाड़ की जी, 7 घर बीपीएल कार्ड के हैं, वो मकान गिरे हुए हैं गरीबों के वाल्मीकि के, वो मकानों का ग्रांट भी नहीं आया। अब हमारे पास जेपी दलाल भी आया था, खरकड़िया भी आया था, कौशिक रमेश कौशिक सांसद भी आए थे, वो भी सूखे वादे करके गए हैं भाई 10 दिन के अंदर पहले हम चनाई लगवा देंगे इसमें चौपाड़ में, आपका 25 लाख रुपया सेक्शन हो गया है पैसा इसका। फिर उसके बाद में बात करी जेपी दलाल से, जेपी दलाल ने कहा भी फाइल गुम होगी। कैसे नेता चुनेंगे आप ये बताओ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, सब वादे करते हैं कर... हम तो जी राजकुमार सैनी को देंगे वोट, हम किसी को नहीं देंगे, लास्ट में हम राजकुमार सैनी को वोट देंगे जो हमारी चौपाड़ नहीं बनवाएगा। तो कहीं ना कहीं सबके अपने नेता होते हैं, सब अपना वोट देने का अधिकार है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी है। भाई नाम बताएं आप। अजय शर्मा। शर्मा जी आप एक युवा हैं, युवा वर्ग के लिए आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या फैसिलिटीज है? मैं स्टेडियम की बात करूं, मैं एजुकेशन की बात करूं। एजुकेशन के लिए अभी सीएम साहब ने यहाँ बरोदा हल्के में घोषणा की है, जैसे यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, 2-2 महिला कॉलेज बरोदा हल्के में देने की बात है, IMT बनाने की बात है। तो एजुकेशन को लेके जिस प्रकार से अगर घोषणाएं हो रही हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी। कैसा नेता चुनने जा रहे हैं? नेता वही हो जो सबके काम करे, वही नेता चुनेंगे। और उपचुनाव है, उपचुनाव में ऑलमोस्ट लोग सोचते ही हैं कि भाई अगर सरकार के साथ रहेंगे तो कम से कम जो सार्वजनिक काम है वो सार्वजनिक। आपके गांव के जो हालात है बद से बदतर हैं, पूरे गांव में मैंने विजिट किया, मैं घूमा हूं खुद, सड़कों की बात कर लेता हूं, नाली की बात कर लेता हूं, तालाब की मैं बात कर लेता हूं, और जो कॉलोनी है वहां घर में जो दरारें हैं उसकी बात कर लेता हूं, बेशक सरपंच की बात मैं करूं, विधायक की मैं बात करूं या सरकार की बात करूं, कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचता है। हाँ ये कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अभी तक ये बरोदा हल्का जो है ना विपक्ष में रहा है, और विपक्ष में रहने के कारण कहीं ना कहीं मजबूरियां होती हैं, सरकार की भी मजबूरियां होती हैं कि जो यहाँ का चुनाव हुआ प्रतिनिधि था वो ठीक ढंग से अपने हल्के के काम नहीं करवा पाया। तो अब एक मौका है लोगों के पास सोचने का कि भाई जो सरकार है अगर प्रतिनिधि उसका बनता है तो हो सकता है जवाब दे उसकी बन जाए। अभी तक तो हरियाणा न्यूज भी यही अपील करता है कि सोच समझ कर अपनी वोट डालें, जिसको चुने अपने कल के लिए चुने, आपके बेहतर कल के लिए चुने, क्योंकि आपके काम वही आएंगे। नाम बताएं आप। विवंत दे। हम मैं आपसे बात करूं, बिजली पानी रोड क्या हालात है आपके गाँव के? जी हमारे गाँव के तो ये सड़क भी नहीं बनी, 2000 कई साल हो गए सड़क नहीं बन रही हमारी, ये चौपाड़ भी सारी पड़वा दी थी, इसकी चौखड़ ये पाट दो फिर बनवा देंगे, वो किसी ने नहीं बनवाया जी। चुनाव है आपके यहाँ, कैसा नेता चुनेंगे फिर इस पर? जो नेता चुनाएंगे जो भी हमारा सही काम करेंगे अच्छा करेंगे, जो गांव के अच्छा करेंगे, चौपाड़ बनवाएंगे हमारी वही अच्छा करेंगे। तो लोगों की काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और सबकी अपनी एक उम्मीद है अपने नेता से। नाम बताए। जगपति नाम जी। कैसा नेता चुनेंगे माता जी इस पर? जी जो कब होगा उससे दे जाए,
ठीक सुन और के कवा समस्या कितनी है आपके? बतेरी समस्या है, इसन दे दो बेटा दे मन। हाँ, नाम बताए? ओम पति। कितनी दिक्कत है आपके इस गांव में? दिक्कत तो बहुत है जी, फिर यही बात है कोई पूरी तो करता नहीं, घर भी मेरा पड़ा हुआ है, बाहर पड़ी किसी घर में। हाँ, खुद देख सकते हैं कितनी दिक्कत है, ठंड का टाइम आ रहा है, कहाँ घुसा। कैसा नेता चुनेंगे, किसको वोट करेंगे? क्योंकि बढ़िया नेता होगा ना उसको चुनेंगे, जो हमारी प्रेस बनाएगा ना उसी को चुनेंगे, मकान बनाएगा। तो कुल मिला के सभी की अपनी उम्मीदें हैं, सबको अपनी होप है कि जिसको वो चुने वो उनके विकास कार्य में उनका साथ दें, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हों। तो कहीं ना कहीं लोगों की काफी दिक्कत भी है इस गाँव की, जैसे की हम हरियाणा न्यूज की टीम ने विजिट की, तो मैं कह सकता हूं कि इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ गांव यही है। नाम बताएं? कृष्ण नाम है जी। कृष्ण जी, कितनी समस्या है आपके गांव में? समस्या तो हमारी तो किसी ने सुनी है ना आज लगे, किसी का प्लाट नहीं कटा है, रहने के लिए जगह है नहीं, जगह बढ़िया जगह, सारी बाईपास ही सारा रोड फूटा पड़ा है। अच्छा काम करे, अच्छा संसार का भला करे, वो अच्छा आदमी हुआ है। कैसे नेता चुनेंगे क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है? नेता तो हम तो जिस आया उसे चुन दिया, दिहाईगढ़ बाकी कड़मड़ी कर नहीं सकती ही, अगर जो काम करेगा विकास करेगा उसको वोट देंगे। नाम बताएं? नाम बताएं जी, रमेश कुमार जी। रमेश जी, कैसे नेता चुनने जा रहे हैं आपने कल के बेहतर के लिए चुनाव? वोट उसी के दें जी जो हमारी प्रेस बनवा होगा, जो विधवा औरत है उनके पीले कार्ड नहीं बने आज तक, जैसे जिसके किसी के तो कई कई प्लाट कट रहे, किसी ने प्लाटे नहीं मिल रहे हैं। तो ये था बरोदा हलके का रिडाणा गांव, जहां हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, और साथ ही साथ जो इनका दर्द था वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर तबके के लोग यहां दुखी हैं और इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे पिछड़ा हुआ गांव हम कह सकते हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज, बरोदा।